हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एमएम खान, और आज हम जानने वाले हैं कि एस्टोनिया वन में प्री ऑर्डर कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं उस लिंक पे जिस लिंक से हमें प्री ऑर्डर करना है। तो व्हाट्सएप पे हमारे ये लिंक आया हुआ है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और ये हमारा इस तरीके से गूगल फॉर्म का लिंक खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ईमेल आईडी मांग सकता है, तो आप ईमेल आईडी चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे ईमेल आईडी के नीचे आप देख पा रहे होंगे मेरा मेल आईडी लिखा है, इस पर टिक कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म को फिल करना है, तो अपना आईडी नंबर डालना है, एस्टोनिया का जो आईडी नंबर है आपका, उस आईडी नंबर को डालना है, अपना नाम डालना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद में पूरा एड्रेस आपको फिल कर लेना है, यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है और सिटी स्टेट ये सब पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो जो प्री ऑर्डर की लिस्ट है, 6 प्रोडक्ट हमारे जो प्री ऑर्डर में हम ऑर्डर कर सकते हैं उनकी लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का नाम है, एमआरपी है, बीबीए और डीपी, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए उनको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पहले से सिलेक्ट कर रखा हूँ और पूरे फॉर्म को पहले से फिल कर रखा हूँ ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है, मैंने एक कैल्शियम सिलेक्ट किया है, एवरीडे वन मल्टीविटामिन सिलेक्ट किया है और एक आयरन फोलिक एसिड, ये 3 प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है, मैं इनका प्री ऑर्डर करने वाला हूँ और जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर मैंने 0 पे टिक कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 से लेके और 5 तक यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे नहीं चाहिए वो उस पर मैंने 0 सिलेक्ट किया है, 0 पे टिक किया, और जो मुझे चाहिए जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतनी क्वांटिटी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कैल्शियम 2 चाहिए तो आप 2 पे क्लिक कर सकते हैं, 3 चाहिए तो 3 पे, जितना भी आपको चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 1 कैल्शियम चाहिए तो मैंने 1 कैल्शियम, 1 एवरीडे वन और 1 आयरन फोलिक। अब इन तीनों प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, तो एमआरपी आप इस लिस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम की एमआरपी 399 रुपये, प्लस एवरीडे वन मल्टीविटामिन की एमआरपी 1499 रुपये, और आयरन फोलिक एसिड इसकी एमआरपी है 850 रुपये। तो टोटल जो एमआरपी होती है 2748 रुपये। इसमें से आपको 10% डिस्काउंट करना है क्योंकि हमें 10% के डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इसमें हम माइनस कर देते हैं 10%। ठीक है, इस तरीके से तो 274 रुपये 80 पैसे माइनस हो जाते हैं, और जो आपको पेमेंट करनी है 2473 रुपये, इतना आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अब कैसे पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कंपनी का ऑलरेडी अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अब मान लिया मैं पेटीएम से पेमेंट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे मेरी स्क्रीन ब्लैक हो सकती है, तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से इसको रिकॉर्ड करके और पूरा एड्रेस कैसे फिल करना है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हमारा जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट पे आपको ऐसे टैप करके होल्ड करना है, होल्ड करेंगे तो अकाउंट नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। और अब हम चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हमें पेमेंट करनी है, तो मुझे जाना है पेटीएम पे, मैं पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब पेटीएम में पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर बैंक डिटेल। ठीक है, तो हमने जो अकाउंट सेलेक्ट किया था उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस हमने क्लिक कर लिया और आईएफएससी कोड भी हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद देखेंगे तो एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने ले लिया है, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि अकाउंट नंबर सही है या गलत है, यहाँ पे एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे प्रोसेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, अब आगे प्रोसेस करते हैं। अब मुझे जो अमाउंट पे करना था वो था 2473 रुपये, तो 73 में कुछ पॉइंट थे तो मैं 73 की जगह 74 कर देता हूँ, इतना अमाउंट मुझे पे करना है। ठीक है, अब इतना अमाउंट मुझे पे करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, और मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है, 2474 रुपये मैंने पे कर दिया। मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और चलते हैं हम फिर से बैक अपने गूगल फॉर्म पे।
यहाँ पे इस बैंक अकाउंट के नीचे लिखा है ऐड फाइल, तो ऐड फाइल पे हमें क्लिक करना है, ठीक है, ब्राउज करना है और यहाँ पे आपको मीडिया दिखेगा। अब मीडिया में हमारा वो स्क्रीनशॉट आ गया जो हमने अभी पेमेंट किया है, हमने पेमेंट के स्क्रीनशॉट यहाँ पे फिल कर दिया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको पूरा सही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इस तरीके से यहाँ पे आपको वो स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर आपका किसी वजह से स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं माई स्क्रीनशॉट नोट अपडेट या नोट अपलोड, और उसका यूपीआई रेफरेंस नंबर होता है, यूटीआर नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच।